नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोनीपत लोकसभा से इंडिया गठबंधन के नव निर्वाचित सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी। सतपाल ब्रह्मचारी जी, आपको रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं इस ऐतिहासिक विजय पर। धन्यवाद भैया। राधे 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 राधे। आज ये आपने माथे पर जो तिलक लगाया है उसमें हम पढ़ रहे हैं, और आपका जो वस्त्र है, जो ब्रह्मचारी के वस्त्र हैं, वो रंग में रंगे हुए हैं, ये खुशी के रंग में रंगे हुए हैं। जब हमने आपको नज़दीक से देखा, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था, उसके बाद आप रुके नहीं। ब्रह्मचारी जीवन में 10 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना, लेकिन अभी रात के लगभग 1 बजने को है, आप निरंतर विजय के उपरांत कभी रोहतक, कभी दिल्ली, और कभी सोनीपत, और कभी धन्यवादी दौरे, और कभी मंदिरों में जहां आस्था है वहां आप अपने आस्था के पुष्प अर्पित कर रहे हैं गुरु जी, तो किस प्रकार का उत्साह है आज? बढ़िया उत्साह है। सोनीपत की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 1 महीने के अंदर मुझे यहाँ से चुना, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं अपना मंदिर की बात की, सनातनी हूँ, लेकिन सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, सभी बिरादरियों को एक समानता के रूप देखता हूँ। और मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ और सबका आभारी भी हूँ। सब बिरादरियों ने, 36 बिरादरियों ने और सभी धर्मों के लोगों ने मुझे जिताने में काम किया और सहयोग किया और मुझे जितवाया जी, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार से आज आपका अनोखा चेहरा एक देखने को मिला, आपके प्रतिद्वंदी मोहनलाल बड़ोली जी आपके साथ एक ही सोफे पर आप बैठे, किस प्रकार सरलता से आपने वो एक मैसेज दिया कि इलेक्शन इलेक्शन तक ही होता है, उसके बाद सब भाईचारा होता है। देखिए, मेरा पुराना संबंध है उनसे, लगभग 30 साल पुराना। मैं उनका आदर करता हूँ बड़े भाई की तरह, और वो भी मेरे साथ थे। दोनों हम बैठे, चाय पी, खाना इकट्ठा खाया। और राजनीति कोई प्रतिद्वंदिता थोड़ी, लड़ाई थोड़ी है किसी में। राजनीति ठीक है, मैं दूसरे दल से लड़ रहा हूँ, दूसरे दल से लड़ रहा हूँ जी, तो राजनीति में कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल। मेरे बहुत नज़दीकी लोगों में हैं बड़ोली जी, जी, जी। आश्रम में जाते हैं, हरिद्वार भी जी, और मैं उनका सम्मान करता हूँ जी। गुरु सोनीपत लोकसभा के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में बतौर आप पहुँच रहे हैं, उसमें सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी, क्या उम्मीदें जनता आपसे बांधे रखे, किन किन मुद्दों पर आपने निरंतर एक विजन बनाया हुआ है आपने कि इन विषयों पर काम करना है? जो विषय जनता के हैं उनको मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा और उनके काम कराऊँगा। और मैं कांग्रेस हाईकमान का भी धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके राहुल जी का, खड़गे साहब का, सोनिया जी का, और हमारे हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा, श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब का, दीपेंद्र साहब एमपी, दीपेंद्र साहब का, और हमारे चौधरी उदय भान जी जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनका, बाबरिया जी का, सभी जो मेरे कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, संगठन के लोग, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। जी गुरु जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चल रहा हूँ, जब इस प्रकार के लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आपके नेतृत्व करने के लिए ऐसे सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपके विषयों को बुलंद आवाज के साथ उठाएंगे और उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपके समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।